चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ इंट्राडे के बारे में और आपके सामने खोलूंगा इंट्राडे का एक बहुत बड़ा राज। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वैसे तो मैं इंट्राडे के ख़िलाफ़ रहता हूँ, आपको मालूम है, लेकिन मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं इंट्राडे में भी काम करते हैं और मुझे लिख लिख के भेजते हैं कि सर इंट्राडे के बारे में कोई ख़ास चीज़ हो तो हमें ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे के एक ऐसे राज की जो आपकी इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है उसका रुख बदल सकता है। वैसे तो बहुत सारे लोग नोट करते होंगे ये चीज़, लेकिन वो कभी इसको वेटेज नहीं देते हैं, कभी उतना ध्यान नहीं रखते हैं कि ये अक्सर हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बार फिर याद करा दूं, नियो वेव का जो हमारा प्रोग्राम है संजय जी और मेरे साथ, वो मुंबई में होने जा रहा है 15 और 16 दिसंबर को, और उसकी अर्ली बर्ड ऑफर की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर की है। तो जो भी मेरे दोस्त नियो वेव के प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो इस डेट का ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी अपनी सीट को लॉक करें। ये वो डेट होती है जब तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे लोग डेट के बाद भी फ़ोन करते रहते हैं, जैसे अभी भी हमारे साथ हुआ हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कि सर हमसे छूट गया, हमें ध्यान नहीं रहा। सर आप अपनी सीट को 5,900 रुपये देकर भी बुक कर सकते हैं केवल, तो इसलिए जल्दी कीजिए। आपके पास पेमेंट के लिए समय होता है, अगर आप आना चाहते हैं सीरियसली तो केवल 5,000 रुपये देके आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। और एक बात और बता दो दोस्तों, ये प्रोग्राम ज़्यादा बार नहीं होता है और मुंबई में तो ये अब फिर हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद ही हो, तो जल्दी कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए और अपनी सीट को लॉक कीजिए। तो दोस्तों इंट्राडे के बारे में जैसा आप जानते हैं, मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इंट्राडे के लिए हम स्टॉक कैसे चुन सकते हैं, उस पर ट्रेडिंग करने के लिए एक एटीपी का फॉर्मूला दिया था आपको कि एटीपी के अगर ऊपर हो तो आप बाय कर सकते हैं, नीचे हो तो सेल कर सकते हैं, उल्टा ट्रेड मत लीजिए और स्टॉक एटीपी के नीचे अगर है उसमें बाय मत कीजिए। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जो हम अमूमन नोट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने साल का कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लोग, अगर वो सिर्फ एक दो चीज़ों को नोट करें जो मैंने पहले बात की है और एक इस चीज़ को जो आज बात कर रहा हूँ ये जोड़ दें, तो आपकी इंट्राडे की ट्रेडिंग में एक खास एज आ जाएगा। ये नोटिस सब करते होंगे, ज़्यादातर लोग देखते होंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला इसको वो वेटेज नहीं देते हैं। आप इंट्राडे में नोटिस करेंगे एक बिल्कुल खास चीज़, वो ये है कि खास तौर पे इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक हैं वो ग्रुप्स में परफॉर्म करते हैं, वो सेक्टर में परफॉर्म करते हैं, वो इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि आपको स्टॉक देखना चाहिए, सेक्टर नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो चीज़ जो है लंबे समय में काम करती है। जब आप साल दो साल का देख रहे हैं तब काम करेगी कि एक सेक्टर है उसके अंदर हम ये नहीं है कि सारे स्टॉक अच्छे ले लेंगे, सारे स्टॉक अच्छे चलेंगे। एक ही सेक्टर के अंदर टाटा मोटर भी है, एक ही सेक्टर के अंदर मारुति भी है, उसी सेक्टर में आयशर मोटर भी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारे चलेंगे। लेकिन इंट्राडे का जो खास रूल है, इंट्राडे का जो खास सिस्टम है, इंट्राडे का जो खास राज है वो ये है कि इंट्राडे के अंदर ज्यादातर स्टॉक जो हैं ग्रुप्स में परफॉर्म करते हैं, इकट्ठे चलते हैं, और अगर उनमें चाल आती है तो वो लगभग एक साथ आती है। अब हम इससे क्या फायदा उठा सकते हैं? हम इससे फायदा ये उठा सकते हैं कि जब आप सुबह मार्केट में आए 9:30-10 बजे तक इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा जो शोर होता है सुबह सुबह का उसको शांत होने दीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि कौन कौन से स्टॉक जो हैं
वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 2-3-4% जो ऊपर खुले हुए हैं या ऊपर काम हो रहा है उनमें, उन स्टॉक को नोट कीजिए। अब सौदा हमको उनमें नहीं बनाना है, सौदा हमको बनाना है जो स्टॉक उसके आसपास के हैं। बहुत ही ख़राब क्वालिटी वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि HDFC बैंक अगर चल रहा है तो उसके आसपास का जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक अगर चल रहा है उसके आसपास का स्टॉक देख सकते हैं। दोस्तों मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जिस सेक्टर का टॉप स्टॉक सुबह पहले 1-2 घंटे में ज़्यादा चल जाता है, उस सेक्टर के जो दूसरे तीसरे नंबर वाले स्टॉक हैं वो 12-1 बजे के आसपास परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा राज है जिसको सब लोग देखते तो हैं, उनको ये मालूम भी होता है, टीवी वाले भी बोलते हैं कि देखिए पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, पूरा सेक्टर चल रहा है, लेकिन आप कभी ये ध्यान नहीं देते कि इस चीज़ को कैश भी किया जा सकता है, क्योंकि उस सेक्टर का जो सबसे बड़ा वाला जो स्टॉक है वो सबसे पहले चलेगा सुबह, वो सबसे पहले 3%, 4%, 2.5% ऊपर खड़ा कर देगा जाके, उसके बाद जो पीछे वाले जो स्टॉक हैं वो बाद में चलेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको ये नोटिस करना है कि कौन सा सेक्टर आज चल रहा है, उस सेक्टर का टॉप जो स्टॉक है अगर वो ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके आगे पीछे वाले जो स्टॉक हैं 1-2 घंटे में ज़रूर ऊपर आएंगे। और इंट्राडे के जो प्लेयर होते हैं दोस्तों, उनको कोई 100% नहीं कमाना होता, उनको 10-20% भी नहीं चाहिए होता। आपको अगर 1-2-3% का प्रॉफिट उस स्टॉक के अंदर आता है तो जहां आपको प्रॉफिट मिले वहां से बाहर निकलिए। लेकिन याद रखिए कि इंट्राडे में ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक बहुत कम परफॉर्म करते हैं, और करते हैं तो उसमें कंडीशन ये है कि उसमें कोई खबर लगी हुई है। मान लेते हैं एक स्टॉक की खबर लगी है बहुत अच्छी, वो 10% ऊपर चला गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके बाकी वाले जो स्टॉक हैं वो भी आज ही चलेंगे। हो सकता है 2-3 दिन में चले, लेकिन आज ही चलेंगे ऐसा नहीं है। इसका उल्टा भी सच है। मान लेते हैं किसी में खबर लगा हुआ है और वो 7% नीचे खुल गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके आसपास वाले स्टॉक भी आज ही गिरेंगे। लेकिन यहां पर मैं जो कह रहा हूं उसको नोट करिए, वो सेक्टर, वो स्टॉक जो बिना किसी बड़ी खबर के चल रहा है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा माहौल है उसके बारे में, लेकिन वो चलना शुरू हो गया सुबह सुबह, तो आप उसके आगे पीछे वाले स्टॉक लीजिए, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए। उस स्टॉक के अंदर जो चाल आ सकती थी मे बी हो सकता है वो आ गई हो, या हो सकता है वो 2-3% ऊपर भी जाए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का साइज अब बड़ा हो चुका है। आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं जो हैं तो उसके आसपास के, उनके चार्ट भी ठीक हैं लेकिन उनमें अभी आपका स्टॉप लॉस छोटा है, उसमें वेट करते रहिए। वो पिछले वाले मेरे जो वीडियो हैं उनका फॉर्मूला लगा के कि ATP के ऊपर जब वो स्टॉक आके सस्टेन करना शुरू करे वहाँ पर उसको बाय करके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड करते जाइए, और जहाँ पर आपको लगे 2-3% का प्रॉफिट आ रहा है वहाँ से बाहर निकल जाइए, क्योंकि सौदा तो हमको कैरी करना नहीं है। ये एक इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कई लोगों को कि ये तो क्या सर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। आप देखते हैं ये स्टॉक चल रहा है, ये तो 4% ऊपर हो गया, चलो इसको छोड़ो अब क्या करें, अरे उसको छोड़िए, उसके पीछे वाले स्टॉक देखिए, वो पीछे पीछे ज़रूर आएंगे उसके। फिर ध्यान रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, इंट्राडे का सबसे बड़ा राज यही है, यहाँ पे ग्रुप्स में परफॉर्मेंस होती है, अनलेस के कोई खबर ना लगी हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही हो, जैसे आजकल वो क्रूड व्रूड के बारे में चल रही है, तो हो सकता है पूरा सेक्टर ही ऊपर खुले 8%, 9% ऊपर, वहाँ पर आपको जाने की इंट्राडे में ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस का साइज़ बड़ा है। आप नोट कीजिए, कोई ऐसा स्टॉक अचानक से सुबह खुल के 3-4% ऊपर हो गया और कोई ऐसी खबर भी नहीं आई हुई, कोई ऐसी चीज भी नहीं है इसके पीछे, वहां पे उसके आसपास के स्टॉक नोट करिए और उनमें बैठ जाइए, आपको इंट्राडे के अंदर वो उतना बड़ा प्रॉफिट आराम से दे देंगे। आप सोचिए, मान लेते हैं स्टेट बैंक 4%, 3% ऊपर खुला है,
उसके नीचे के जो स्टॉक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये वो फलाना, आप उनके अंदर अगर आपको दिखता है कि वो आधा परसेंट 1% ऊपर खुले हैं, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का साइज छोटा है। ATP को नोट करते रहिए, ATP के ऊपर जब तक वो सस्टेन कर रहा है उसके अंदर राइड कीजिए। मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मार्केट के क्लोजिंग के टाइम वो स्टॉक आपको 2-3% का प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा, चाहे वहाँ रुके या ना रुके या बाद में नीचे आ जाए, जो भी हो, लेकिन आपको मुनाफा वो दे जाएगा। तो इंट्राडे में जब भी काम कीजिए, सुबह आते ही सबसे पहले नोट कीजिए कि कौन से स्टॉक में खबर नहीं है फिर भी ये चल रहा है ऊपर या नीचे, और उसके आसपास के स्टॉक देखिए और उनमें पोजीशन बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप बिना कुछ किए, बिना कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए, बिना कोई टीवी देखे, बिना कोई अखबार पढ़े, सिर्फ मार्केट की सुन के आप इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि इंट्राडे थोड़ा सा मुश्किल काम है, यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको अपना रिस्क जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। और जो एक्सपर्ट नहीं है उन्हें फिर भी मेरी सलाह यही है कि इंट्राडे से दूर रहें। लेकिन जो इंट्राडे के टिपिकल प्लेयर हैं, ये एक चीज़ अगर वो अपनी ट्रेडिंग में जोड़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप खुद नोट करेंगे 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कि आपकी ट्रेडिंग में अचानक से एक बदलाव आना शुरू हो गया है। आप ये मत सोचिए आप क्या सोच रहे हैं, आपने टीवी के ऊपर एक स्टॉक सुन लिया सुबह, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने अपनी कोई चार्ट स्टडी कर ली, वो ठीक है सब, लेकिन मार्केट की सुनिए। मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर पहले 1-2 स्टॉक सुबह सुबह चलते हैं, उसके बाद वाले 11-12 बजे के आसपास चलते हैं। तो हमको जो सुबह सुबह चल गए उन पे नहीं जाना है, वहां पे जाने के अंदर आपको दिक्कत आएगी कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है और वहां से प्रॉफिट सिर्फ जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो निकाल सकते हैं, या जो मोमेंटम को प्ले करते हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है, प्रॉफिट भी बनाना है, उसके नीचे वाले, बहुत नीचे वाले पे नहीं जाना है कि आपने ऐसा स्टॉक उठा लिया जो उसके मालिक भी नहीं लेते हैं, ऐसा स्टॉक नहीं लेना है आपको। स्टॉक लेना है जो ठीक ठाक हो, उसी सेक्टर का हो, और जो स्टॉक चल रहे हैं उसके आसपास की क्वालिटी का स्टॉक हो, आपको उसके अंदर प्रॉफिट आने की उस दिन बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की इंट्राडे के एक राज की, जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टाइल बदल सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, अपना रिस्क कंट्रोल में रखिए, स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखिए और देखिए कि इस तरीके से आपको कितना बड़ा मुनाफा आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर उसका एड्रेस आ रहा है। इस चैनल के ऊपर हम जो अपडेट्स होती हैं हमारी वो डालते रहते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो लेवल हैं बैंक निफ्टी के या निफ्टी के, और भी कई चार्ट्स के अंदर कुछ हो रहा हो तो वो डालते रहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक काम करना है कि टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद इस लिंक को वहाँ पर डाल के हमारे चैनल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम बहुत काम की चीज़ें डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका ज़रा सा भी फायदा इस वीडियो से हुआ है, इसे बाकी लोगों तक पहुँचाइए और उनका भी भला कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।